तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के कंप्लीट चैप्टर को एक सिंगल वीडियो में। इस चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट दिए गए हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर सारे कंसेप्ट सारे टर्म्स को वन बाय वन अच्छे से समझते चलेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आसानी से आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। लास्ट मोमेंट है, यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि डायरेक्ट टॉपिक पढ़ते हैं और जो भी टॉपिक्स में दिए गए हैं उसे डायरेक्टली हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपका सेशन नंबर 1 दिया गया है, एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियोज एंड गोल सीक, यानी कि यहाँ पे सिनेरियोज के बारे में पढ़ना है, गोल सीक के बारे में पढ़ना है। उससे पहले कुछ टर्म्स आपके दिए गए हैं, उन सारे टर्म्स को भी देखते चलते हैं। सबसे पहला टर्म आपके सिलेबस में दिया गया है कंसोलिडेटिंग डेटा। कंसोलिडेटिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गैदर करना। जैसे कि आपके पास डेटा बहुत सारे सोर्स में है, इन सारे डेटा को एक जगह ला करके एक सिंगल मास्टर वर्कशीट बनाते हैं, उसे ही कंसोलिडेटिंग कहते हैं। इसे कैसे समझेंगे? डेटा कंसोलिडेशन अलाउज यू to gather together your data from separate worksheets into a master worksheet। वैसे ही समझ में आ गया, बहुत सारे वर्कशीट में अगर आप काम कर रहे हैं उन सारे वर्कशीट को एक सिंगल मास्टर वर्कशीट में लाएंगे, उसे ही हम डेटा कंसोलिडेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स द डेटा कंसोलिडेशन फंक्शन टेक्स डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट एंड समरीज इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट। बहुत सारे वर्कशीट से डेटा लेकर के आप एक सिंगल मास्टर वर्कशीट बनाते हैं, उसे ही हम डेटा कंसोलिडेशन कहते हैं। ये बेसिकली आपका 1 मार्क के क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट इसी में पढ़ना है आपको सब टोटल्स। देखिए टोटल्स का मतलब क्या होता है? टोटल करना यानी कि ऐड करना। तो सब टोटल का मतलब भी वही होता है, टोटल करना या ऐड करना। जो भी डेटा आपके एरे में दिए गए हुए उन सारे डेटा को आपको ऐड करना। तो क्या लिखेंगे? टोटल या ऐड करता डेटा अरेंज्ड इन अ एरे that is a group of cells with labels for columns and rows। Using the subtotal dialog you can select arrays and then choose a statistical function to apply them। ये आपको मिलता कहाँ पे? डेटा मेन्यू में मिलता है। देखिए बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे तो चीज़ें बहुत हार्ड हो जाती है और वहाँ पे आपको समझने में डिफिकल्टी होती है। इसीलिए एकदम बेसिकली कॉमन लैंग्वेज में सीखेंगे ताकि एग्जामिनेशन में आप अच्छे से लिख सकें। तो सब टोटल का मतलब क्या होता है? ऐड करना। जो भी डेटा दिए गए हैं उनको ग्रुप ऑफ सेल्स या तो ग्रुप ऑफ कॉलम्स में उसे ऐड करना। ये मिलता कहाँ है? ये आपको डेटा मेन्यू में मिलता है। 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सब टोटल का फंक्शन रहता कहाँ पर है, तो ये आप क्या लिखेंगे? डेटा मेन्यू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आपको देखना है, इसी में आपका आता है सिनेरियोज, जो कि आपका टॉपिक का नाम भी दिया गया है, सिनेरियोज। सिनेरियो का मतलब क्या होता है? ये एक टूल है जो कि व्हाट इफ के कंडीशन को चेक करता है। व्हाट इफ का मतलब क्या होता है? क्या हो अगर। व्हाट इफ का मतलब होता है क्या हो अगर, यानी कि एक कंडीशन हो गया कि अगर ये कंडीशन होता है तो उसके बाद का सिचुएशन क्या होने वाला है। तो ये सिनेरियोज होता है। ठीक है, सिनेरियोज आर अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चंस। ईच सिनेरियो इज नेम्ड एंड कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली। You can easily switch between different scenarios by using navigator। तो बेसिकली सिनेरियो का मतलब क्या हो गया? व्हाट इफ कंडीशन को टेस्ट करने वाला एक फंक्शन है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट लिखिएगा व्हाट इफ कंडीशन को टेस्ट करने वाला फंक्शन क्या कहलाता है? सिनेरियोज कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑन एन इन्वेस्टमेंट यू कुड एड अ सिनेरियो फॉर ईच इंटरेस्ट रेट एंड क्विकली व्यू द रिजल्ट। देखिए आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मान के चलिए यहाँ पे 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप चेक करना चाहते हैं कि 10% इंटरेस्ट रेट में क्या आंसर आएगा, 12% पे क्या आएगा, 13% पे क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे? ये सिनेरियो लगाएंगे, यानी कि व्हाट इफ के कंडीशन लगाएंगे। तो व्हाट इफ का कंडीशन क्या बताएगा कि अगर ये 10% का इंटरेस्ट रेट रहे तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा। व्हाट इफ का कंडीशन चेक करेगा, 12% रहेगा तो रिजल्ट क्या आएगा। तो सिनेरियो का मतलब क्या हो गया? व्हाट इफ के कंडीशन को चेक करने वाला। ठीक है, हम लोग सिनेरियो बनाएंगे कहाँ पर? टूल्स में जाएंगे, सिनेरियोज में जाएंगे, वहां से बना सकते हैं। इजी था। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है गोल सीक के बारे में। ये भी टॉपिक में आपका टाइटल दिया गया है। तो गोल सीक क्या होता है? ये आपका टूल्स मेन्यू के अंडर में आता है। ठीक है, मेन्यू याद रखिएगा, गोलसीक जो होता है वो टूल्स मेन्यू में आता है और इसका काम क्या होता है। देखिए ये जो काम करता है ये रिवर्स ऑर्डर पे काम करता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पहले फॉर्मूला डालते हैं उसके बाद रिजल्ट आता है, ठीक है। और ये जो गोल सीखता है ये उल्टा काम करता है, यानी कि आप पहले रिजल्ट डाल दीजिए और ये आपको फॉर्मूला बताएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैज़ अ गुड आइडिया ऑफ द कंपनीज इनकम इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर्स। अब देखिए एक फाइनेंशियल ऑफिसर है, उसके पास 3 क्वार्टर का रिजल्ट पता है कि उसको कितना कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, लेकिन 4th क्वार्टर के बारे में वो नहीं जानता है। अब इस कंडीशन में क्या है, अब इसका एक गोल है कि हमको करीब करीब 15% का फायदा होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये 4th वाले में ये चेक करेगा कि मैं कितने रुपया डालूंगा जिससे कि मेरा 15% का जो गोल है वो आ सके, ठीक है। समझ रहे बात को। यहाँ पे क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डेट आर ऑलरेडी साइंड फॉर द 4th क्वार्टर हाउएवर नो डेफिनेट इनकम इज अवेलेबल, सो हाउ मच द कंपनी अर्न इन 4th क्वार्टर टू रीच द गोल। यानी कि यहाँ पे 1, 2, 3 का तो आपको पता है, लेकिन आप क्या करेंगे 4th में ऐसा कौन सा वैल्यू डाले जिससे कि मेरा रिजल्ट 15% आ जाए, ठीक है। ये उल्टा काम करता है, जैसे पहले हम लोग फॉर्मूला डाले तो रिजल्ट आया, यहाँ पे गोलसी क्या करेगा, आप रिजल्ट बता दीजिए कि भाई मेरा जो गोल है वो जो मेरा गोल है 15% का है, तो हम क्या आंसर दे क्या रिजल्ट दे जिसके वजह से मेरा 15% का गोल अचीव हो जाए। तो इसे कहेंगे गोल सीख, यानी अपना गोल को अचीव करने के लिए गोल को खोजना। तो क्या करेंगे, आप पहले गोल डाल दीजिए कि मुझे 15% का लाना है, तो क्या डालेंगे जिससे कि 15% आ जाए। तो ये रिवर्स ऑर्डर में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सॉल्वर। सॉल्वर जो होता है ये गोल सीख का ही आपका इलेबोरेटेड फॉर्म है, ठीक है, यानी कि इसमें कुछ फीचर्स ज़्यादा होता है गोल सीख के कंपैरिजन में। क्या क्या फीचर ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आप सेट ऑफ रूल्स दे सकते हैं कि जो मेरा जो गोल सीख जो है जो मेरा काम करेगा उसमें हम रेंज डाल देंगे कि मिनिमम मेरा 10,000 रुपया रहना चाहिए, मैक्सिमम पोजीशन भी आप फिल कर सकते हैं। तो मिनिमम और मैक्सिमम ये चीज़ आप वहाँ पे डाल सकते हैं, उसी के अंदर का वैल्यू वो आपको बताएगा। तो सॉल्वर क्या कर रहा है, ये जो गोल सीख आपने देखा उसी गोल सीख का इलेबोरेटेड फॉर्म है। गोल सीख का काम क्या होता है, आप पहले रिजल्ट बता दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग वो बता देगा कि क्या वैल्यू डालने पर आपका ये रिजल्ट आएगा। उल्टा काम करता है, उसी का इलेबोरेटेड फॉर्म है सॉल्वर, जहाँ पर यह आपको कुछ कंडीशन अप्लाई करने का मौका देता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, यू कैन सेट द कॉन्स्टेंट्स डेट वन ऑफ द वेरिएबल और सेल मस्ट नॉट बिगर देन अनदर वेरिएबल, यानी कि आप सेल में ये डाल सकते हैं कि इसका वैल्यू यहाँ से इतना रेंज में होना चाहिए। तो आप क्या किए, एक कंडीशन डाल दिए। उसके अलावा आप ये भी डाल सकते हैं कि इस जो सेल है ये सेल में आपका न्यूमेरिक वैल्यू ही सिर्फ आना चाहिए, इसमें पॉइंट के बाद नहीं आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कंडीशंस आप डाल सकते हैं। तो ये सॉल्वर क्या करेगा, उसी में कुछ कंडीशन डालने का काम करेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, द टूल्स में जाएंगे तो सॉल्वर मिलेगा। इट अमाउंट्स टू अ मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीख, द डिफरेंस इज द सॉल्वर डील्स विद द इक्वेशंस विथ मल्टीपल अननोन वेरिएबल्स। ये बहुत सारा अननोन वेरिएबल्स के साथ काम कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक पे काम करेगा। तो ये इलेबोरेटेड हो गया, गोल सीख सिर्फ एक पे काम करेगा, बहुत सारे अननोन वेरिएबल्स पे काम कर सकता है। इट इज़ स्पेसिफिकली डिजाइन टू मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट। यहाँ पे हम सेट ऑफ रूल्स से मिनिमाइज और मैक्सिमम रिजल्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेशन नंबर 2 में, लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट यूजिंग मल्टीपल वर्कबुक एंड लिंकिंग सेल्स। अब देखिए यहाँ पर हम अलग अलग सेल्स को और वर्कबुक का जो डेटा है उसको हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे। लिंक मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। स्प्रेडशीट अलाउज यू टू लिंक द सेल फ्रॉम वेरियस वर्कशीट्स, ठीक है, तो वर्क एंड फ्रॉम वेरियस स्प्रेडशीट टू समराइज द data from several sources. In this manner you can create a formula that span different sources and make calculations using combination of local and linked information. Spreadsheet आपको ये मौका देता है कि आप अपने ही वर्कबुक में से अलग अलग जो वर्कशीट है उसको लिंक कर दीजिए, या तो आप दूसरे जगह का भी वर्कशीट को अपने वर्कशीट के साथ लिंक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में अभी हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको इसमें एक और चीज़ आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में एकदम जनरली पूछा जाता है कि जब आप लिंक करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा डेटा जो वर्कशीट पे काम कर रहे हैं। तो जब भी आप वर्कशीट खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट यानी कि पहले से उस वर्कशीट का नाम क्या लिखा हुआ रहता है, शीट वन। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि बाय डिफॉल्ट शीट का नाम क्या दिया रहता है। तो बाय डिफॉल्ट शीट का नाम शीट वन लिखा हुआ रहता है, ठीक है, 1 मार्क्स में याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, रीनेमिंग ऑफ वर्कशीट। अब वर्कशीट में तो देखिए कि शीट 1 लिखा हुआ है, अब उसको रीनेम कैसे करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोशिश करूँगा स्लो पढ़ाने का, कमेंट में जरूर बताइए कि मैं फास्ट कर रहा हूँ या स्लो है। जनरली होता क्या है, लास्ट मोमेंट पर टाइम कम रहता है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ, और आपका टाइम का कीमत भी बहुत ज़्यादा है इसीलिए मैं कोशिश रहता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं वर्कशीट में शीट 1 तो पहले से बाय डिफॉल्ट है, नाम कैसे कैसे चेंज करेंगे। 3 तरीके हैं, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा व्हाट आर द 3 वेज। तो आप इसको लिख सकते हैं, सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे शीट 1 में, उसका नाम वहाँ पे चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा क्या है, राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पर रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहाँ से चेंज कर लेंगे। तीसरा क्या है, जो वर्कशीट में आपको चेंज करना है उस वर्कशीट को सेलेक्ट करेंगे और क्लिक ऑन द वर्कशीट टैब, वर्कशीट टैब में करेंगे और वहाँ पर आपको फॉर्मेट मेन्यू मिलेगा और वहाँ पे जाने के बाद रीनेम ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके से वर्कशीट का नाम बदल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंसर्ट शीट फ्रॉम डिफरेंट स्प्रेडशीट। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग स्प्रेडशीट से हम अपने एक स्प्रेडशीट में हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक तरीका होता है हमको लिंक ऑप्शन। अगर हम लिंक ऑप्शन को डाल देते हैं तो ये लाइव डेटा अनदर वर्कशीट से ले आता है। यहाँ पे कोई बच्चे कंफ्यूज तो नहीं हो रहे होंगे, वर्कशीट का मतलब क्या हो रहा है। वर्कशीट का मतलब हो गया बेसिकली पेजेस जिस पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पेज पे हम काम कर रहे हैं, इस पेज पे हमको दूसरे पेज का हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम लिंक डेटा कर देंगे। जब आप लिंक करेंगे तो ये लाइव हो जाएगा, यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जो भी चेंजेस होगा वो इस पेज में दिखेगा। तो ये हो गया चेंजेस। नेक्स्ट देखिए, क्रिएट और चेंज अ सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस को हम लोग क्रिएट करेंगे कैसे, ठीक है। सेल रेफरेंस का मतलब क्या हो गया, मान के चलिए ये आपका एक पेज में एक सेल है, ठीक है। अब इस सेल में आपको कोई डेटा डालना है, उस डेटा को डालने के लिए आप क्या करेंगे, एक रेफरेंस डाल दिए कि हमको यहाँ से डेटा लाना है, ठीक है। डेटा लाना कहाँ से, वह आप एक रेफरेंस दे दिए। तो ये क्या क्या कर सकते हैं आप इसमें, सबसे पहले तो डेटा फ्रॉम 1 और मोर कंटिन्यूस सेल्स ऑन द वर्कशीट। आप एक या एक से ज़्यादा सेल्स एक ही वर्कशीट से आप उठा करके यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। दूसरा, डेटा कंटेंट इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्कशीट, दूसरे एरिया ऑफ द वर्कशीट वहाँ से भी आप उठा करके इस सेल में आप डेटा डाल सकते हैं। तीसरा क्या हो गया, डेटा ऑन द अदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक। इसी वर्कबुक में और भी जो वर्कशीट बना के रखे हैं उन वर्कबुक में से भी आप डेटा को उठा करके इस सेल में डाल सकते हैं, समझ गए। इस सेल में इसी पेज का 2-4 डेटा में से उठा सकते हैं, या तो अलग पेज से भी या फिर कहीं और से भी डाल सकते हैं। तो ये 3 तरीके से आप इसमें सेल रेफरेंस कर सकते हैं, वहीं से ये डेटा कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट है क्रिएटिंग रेफरेंस टू अदर शीट्स। अब देखिए, अदर शीट्स यानी कि अलग जो पेज हो गया, शीट्स का मतलब क्या हो गया, पेजेस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। शीट्स का मतलब हो गया पेजेस। अब यहाँ पे रेफरेंस को क्रिएट करना है, ठीक है, यानी कि इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ भेजना है। तो आप कैसे करेंगे, तो रेफरेंस क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम लोगों के पास 2 तरीके हैं, सबसे पहला कीबोर्ड और दूसरा माउस। कीबोर्ड और माउस मेथड, ठीक है। कीबोर्ड से कैसे करेंगे, सबसे पहले रेफरेंस करने के लिए कीबोर्ड से हमें क्या कर, देखिए यहाँ पे हम सेल के बारे में बात करते हैं, अब हम पूरे पेज के बारे में बात करेंगे, पूरे शीट के बारे में। तो पूरा शीट को अगर आपको रेफरेंस करना है तो सबसे पहला तो आपका आ गया कीबोर्ड मेथड। कीबोर्ड मेथड में क्या करेंगे, हमें उसका पाथ लिखना होगा। तो जब भी हम रेफरेंस पाथ लिखेंगे तो 3 पार्ट होगा उसका, सबसे पहले पाथ, दूसरा फाइल नेम, उसके बाद सीट नेम, फिर सेल नेम, ऐसे लिखेंगे। क्या एक एग्जाम, ये आपका एग्जाम्पल हो गया कि लिखने का तरीका क्या है, फाइल // इस टाइप से आपका दिया हुआ है। याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि अगर हमको रेफरेंस करना है एक शीट से दूसरे शीट में तो पहला कीबोर्ड मेथड, जिसमें कि हमको उस जो शीट है उसका एड्रेस लिखना होगा, यानी कि उसका रेफरेंस लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या बोले, माउस तरीके। माउस में क्या करेंगे, हाइपर लिंक क्रिएट करेंगे। हाइपर लिंक का मतलब क्या हो गया, एक जैसे कि आपको www.crackmy cbse.com ये डाल देंगे तो ये क्या होगा, हाइपर लिंक हो गया। जब भी कोई इसमें क्लिक करेगा तो ये मेरे वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। तो एक हाइपर लिंक क्रिएट कर देंगे और उसी हाइपर लिंक को क्रिएट करने से क्या होगा, वो डेटा वहां से चला जाएगा। जब आप हाइपर लिंक क्रिएट करिएगा तो ये दो तरीके से क्रिएट हो सकता है, एक तो रिलेटिव, दूसरा एब्सोल्यूट। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस होता है, इसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 मार्क्स में आता है क्वेश्चन, इस बार भी आएगा, ठीक है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या होता है, हाइपर लिंक समझ गए, एक लिंक डाल दीजिए जिससे कि डेटा वहां से मिलेगा। अब क्या होता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट, देखिए एब्सोल्यूट का मतलब होता है ये फिक्स्ड हो गया, यानी कि एन एब्सोल्यूट लिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड। जैसे कि आप कोई लिंक डाल दिए, जैसे crackmycbse.com का अगर हम सिंपल लिंक डाल दिए और अगर मेरा टारगेट crackmycbse.com को अगर हम डिलीट कर दिए, कुछ गड़बड़ कर दिए, तो यहाँ पे ये लिंक वर्क नहीं करेगा, ये एब्सोल्यूट हो गया, ठीक है। रिलेटिव लिंक का मतलब क्या हो गया, ये आपका तभी स्टॉप करेगा इफ द स्टार्ट एंड टारगेट लोकेशन चेंज रिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। रिलेटिव डेटा का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास 2 शीट है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 2 शीट है। अगर आप एब्सोल्यूट तरीके से आप किए हैं तो अगर कोई चेंजेस करते हैं तो ये लिंक करना बंद कर जाएगा, यह काम करना बंद कर देगा। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, अगर आप इसमें चेंज किए हैं तो भी आपका ये काम करेगा और इसी चेंजेस को यहाँ पे शो करेगा, ठीक है, इसी चेंजेस को शो करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट का मतलब हो गया कि अगर इसमें कोई चेंजेस करते हैं टारगेट में तो ये आपका काम करना बंद कर देगा। रिलेटिव वाला में क्या होता है कि टारगेट काम करना बंद नहीं करेगा, कब तक, जब तक कि आप इसका स्टार्ट और टारगेट लोकेशन को चेंज नहीं कर देते हैं रिलेटिवली, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये 2 लाइन एकदम रट लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है। For instance, if you have 2 spreadsheets in the same folder linked to each other, you move the entire folder to a new location. The relative hyperlink will not break. अब देखिए होता क्या है, जैसे कि आपके पास एक फोल्डर में बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, ठीक है, और आप इसको यहाँ से लिंक किए, इस फोल्डर को उठा के कहीं भी ले गए तो भी आपका लिंक ब्रेक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका इंटायर फोल्डर गया और आप तो फोल्डर से लिंक किए, फोल्डर को जहां ले जाएंगे वो लिंक वहीं पे काम करने लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका सिर्फ एक पेज को लिंक करेंगे और आप उस पेज को कहीं और ले जाएंगे तो काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। यहाँ पर आपको HTML डॉक्यूमेंट में हम एक्सटर्नल डेटा को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नली जो भी डेटा है उसे भी हम HTML डॉक्यूमेंट के थ्रू ला सकते हैं। And data located within the names range from an OpenOffice.org, Calc और Microsoft Excel। Excel का भी डॉक्यूमेंट का जो डेटा होता है या HTML का या फिर Open Office, यहाँ सारे से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं और Calc स्प्रेडशीट में हम इसे ला सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका शेयरिंग वर्कशीट डेटा। अब वर्कशीट डेटा को हमको शेयर करने के बारे में यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। स्प्रेडशीट का जो सॉफ्टवेयर होता है ये आपको अलाउ करता है वर्कबुक को एक ही प्लेस में अलग अलग लोगों के साथ काम करने के लिए। जैसे कि एक वर्कबुक में बहुत सारा वर्कशीट है और एम्प्लॉय टोटल 5 लोग हैं, तो हम इस 5 लोग इसी वर्कशीट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ये हमको अलाउ करता है वर्कबुक एंड प्लेस इन इट द नेटवर्क लोकेशन वेयर सेवरल यूजर्स कैन एक्सेस इट साइमल्टेनियसली। एक साथ बहुत सारे यूजर इसी पेज पे काम कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है आपका, दिस इज रिक्वायर्ड टू इधर स्पीड अप डेटा एंट्री और सिंपली मेक थिंग्स इजियर फॉर कोलैबोरेशन पर्पस। इससे डेटा एंट्री का पर्पस स्पीड हो जाएगा। अब एक आदमी दूसरा एंट्री कर रहा है, कोई रोल नंबर कर रहा है, कोई इंग्लिश का रिजल्ट कर रहा है, कोई हिंदी का रिजल्ट, कोई मैथ का रिजल्ट, कोई IT का रिजल्ट, तो डेटा जल्दी जल्दी आप वहां पे डाल सकते हैं, ठीक है। कैल्क हैज द फीचर टू ट्रैक व्हाट डेटा वाज चेंज्ड, व्हेन द डेटा वाज मेड, हु मेड इट, द चेंज एंड इन विच सेल द चेंज हैज ऑकर्ड। अब देखिए कैल्क जो है वो सारी रिकॉर्ड रखता है कि भाई ये 5 लोग तो इसमें काम कर रहे थे, इन 5 में से किसने क्या चेंज किया, कब किया, कहाँ किया, कौन से सेल में किया, सारी चीजें इसको जानकारी है और आप ये देख सकते हैं। एडिट में जाइए, चेंजेस में जाइए, रिकॉर्ड फ्रॉम द मेन्यू बार, यहाँ पर आपको सारी चीजें बताते चलेगा कि भाई कौन इसमें से क्या क्या चेंजेस किया, कहाँ पर किया, कब किया, सारी चीजें बता देगा, ठीक है। तो कैल्क ये सारी चीजें को ट्रैक करता है। a colored border with a dot in the upper left corner, एक colored border बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे dot बनेगा एक left corner में around the cell where changes was made, जहाँ पर cell में changes किया गया है, other reviewers और जैसे ये change किया, बाकी ये चार लोग हैं, ये चार लोग भी देख सकते हैं कि किसने change किया, क्या change किया, ठीक है। A deleted column और row is marked by heavy colored border। अब यहाँ पे क्या होगा, एक हेवी कलर आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये चीज़ डिलीट कर दिया गया है। तो कोई भी भाई चेक चेंज कर रहा है तो इसका मतलब बाकी लोग देख सकते हैं, ठीक है। कैल्क ऑटोमेटिकली एड्स टू एनी रिकॉर्ड चेंज अ कमेंट डिस्क्राइबिंग व्हाट वाज चेंज्ड। अब देखिए जैसे कुछ चेंज होता है किसी डेटा में तो कैल्क क्या करता है, इस चीज़ को कमेंट कर देता है अपने से, खुद से क्या करता है। जैसे कि सेल B4 में चेंज किया गया है 9 to 4, यानी कि सेल बी में पहले 9 था, अब उसको 4 बना दिया गया, और जो रिव्यूअर्स है बाकी लोग हैं वो लोग इसमें कमेंट करके चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये तो लिख दिया कि 9 से 4 ले गया गया है, ठीक है, ये तो कैल्क ने बताया। अगर कोई दूसरा रिव्यूअर उसमें और डिटेल देना चाहेगा तो वो दे सकता है, एडिट चेंज कमेंट में जाएगा, वहाँ जाके इसमें डिटेल लिख देगा, भाई इस वजह से मैंने चेंज किया। तो बेसिकली आपने देखा कि किस जो भी चेंजेस होगा वो आप ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होते जाता है। नेक्स्ट है, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका हो सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। होता क्या है कि मान के चलिए एक ही स्प्रेडशीट पर 2 लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, एक ही स्प्रेडशीट पे 2 लोग वर्क कर रहे हैं। अब दोनों को जब सेव करने जाएगा डेटा तो क्या क्या सिचुएशन होगा। सबसे पहला तो इफ़ द वर्कशीट वॉज नॉट मॉडिफाइड एंड सेव्ड बाई अनदर यूजर सिंस यू ओपन इट द वर्कशीट सेव्ड। अगर 2 में से किसी एक ने नहीं खोला है, सिर्फ आप खोले हैं और जो भी चेंजेस किए सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा, कोई डिफरेंस की बात नहीं है। लेकिन अब इसी वर्कशीट को दो लोग खोले हुए, ठीक है, एंड इफ द वर्कशीट वाज मॉडिफाइड एंड सेव्ड बाय अनदर यूजर सिंस यू ओपन इट वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विल ओपन। अब देखिए मान चलिए आप इसको ओपन करके रखे, लेकिन ये दूसरा बंदा जो है वो उसको चेंजेस ला करके सेव करने की कोशिश कर रहा है। अब आपके पास भी खुला हुआ है और वो भी सेव कर रहा है, तो अब इस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला तो है कि अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यानी कि आपने जो चेंजेस बताया और वो चेंजेस बताया दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, दोनों चेंजेस ठीक चल रहा है तो चलिए सेव हो जाएगा। लेकिन अगर क्या होगा, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, यानी कि आप इस सेल में बोल रहे 9 लिखो और वो बोल रहा है 4 लिखो, तो अब तो भाई 2 सिचुएशन हो गया, या तो 9 आ गया या तो 4 होगा। इस सिचुएशन में एक कॉन्फ्लिक्ट डायलॉग बॉक्स खुलेगा, ठीक है, और उसमें से एक बंदा डिसाइड करेगा कि हम इसको चेंजेस करेंगे। तो जो डिसाइड करेगा हम चेंज करेंगे वो चेंज करेगा, और सेकेंड वाला के लिए ये लॉक्ड लिखाएगा, ठीक है, क्या लिखाएगा, उसके लिए वो लॉक्ड लिखाएगा। अब दोनों में से जो रिजॉल्व कर लिया उसके बाद फिर ये सेव हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अगर दोनों में से सबसे पहले तो देखें कि अगर कोई बच्चा चेंज करना चाह रहा है, सेकेंड वाला उसको कोई आपत्ति नहीं है तो चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या है, दोनों डेटा भर रहे हैं, दोनों का डेटा कॉन्फ्लिक्ट कर गया, अलग अलग है, तो इस सिचुएशन में वो आपसे रिजॉल्वर पूछेगा कि भाई क्या करना है। तो इस जगह पर एक जो है बंदा उसको चेंज करेगा, दूसरा वाले के पास ये लॉक हो जाएगा, उसके बाद ये चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग चेंजेस। अब क्या होता है, व्हेन यू रिसीव अ वर्कशीट बैक विथ चेंजेस, अब कोई वर्कशीट आपके पास मिलता है सारे चेंजेस करने के बाद, उस सिचुएशन में जो ओरिजिनल ऑथर है, जिसने ये वर्कशीट बनाया, जिसके पास ये अथॉरिटी है, वो इस चीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। वो क्या करेगा, एडिट में जाएगा, चेंजेस में जाएगा, एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये इस चीज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है कि भाई ये जो तुमने चेंजेस किया ये सही है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक आता है, ये आपका क्रिएट एंड यूज मैक्रोज इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में मैक्रोज का बहुत बड़ा रोल है। देखिए मैक्रोज क्या होता है, ये आपका 2 मार्क्स से क्वेश्चन तो एकदम लिख के रख लीजिए, इस स्लाइड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। क्या पूछा जाता है, अ मैक्रो इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। मैक्रोज आर स्पेशली यूजफुल टू रिपीट अ टास्क द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। मान के चलिए आपके पास एक ही काम, एक ही तरह के काम 3 बार 4 बार लगातार करना है, उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, एक मैक्रो क्रिएट करते हैं। यानी कि आप एक तरह से जैसे कि कमांड्स हो गया एक तरह से, जैसे आपके पास है कि इसके बाद ये क्लिक करना है, इसके बाद ये क्लिक करना है, इसके बाद ये करना है, तो आप क्या किए, ये सारे कमांड्स को यूज करके आप एक सिंगल कमांड बना दिए, यानी एक मैक्रो बना दिए। जब भी आप उस मैक्रो को यूज करिएगा वो सारे कमांड ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टली याद रखिएगा, अ मैक्रो इज अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक्स डेट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। ये एक सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स है, की स्ट्रोक्स है, जो कि बाद में यूज करने के लिए रखा जाता है। ये स्पेशली कब यूज होता है? रिपीटेडली जब काम करते, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार सेम काम करना है तो मैक्रो को यूज करते हैं। ठीक है, ये बनता कहाँ पे है? ये आपको टूल्स में जाइए, मैक्रो में जाइए, रिकॉर्ड है मैक्रो में जाइए, यहाँ पर आप बना सकते हैं। द रिकॉर्ड मैक्रो डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड विथ अ स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन। वहाँ पर आप स्टॉप, जैसे कि आप यहाँ पर रिकॉर्ड में गए और वो सारे काम को करने लगे, इसके बाद उसके बाद स्टॉप कर दीजिए, तो ये जो काम किए ये मैक्रो आपका सेव हो गया। ठीक है, आप उस मैक्रो को बाद में नाम दे दीजिए। एडवांटेज क्या क्या है? सबसे पहला एडवांटेज हो गया मैक्रो ऑटोमेट्स द रिपीटेटिव एंड रूटीन टास्क। ये आपका बार बार जो काम कर रहे हैं उसी टास्क को मतलब करने में फायदेमंद होता है, इजीली होता है। दूसरा क्या होगा? मैक्रो स्पीड अप योर प्रोसेस एंड रिड्यूस टाइम। इससे आपका टाइम बच रहा है और आप इजीली इस काम को कर सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पर 4th भी कंप्लीट हो गया। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आया या नहीं, या कुछ भी टॉपिक में अगर डाउट्स रह गया तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, बस उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा। हमारा मोटो है लर्न सिंपल लर्न इजी, इजीएस्ट और सिंपलेस्ट वे में कोशिश करते हैं आपको बताने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।